फ्रेंड्स, ठंड के फूलों के ख़त्म होते ही हमें अपने गार्डन की चिंता सताने लगती है कि कौन कौन ऐसे फ्लावरिंग प्लांट ऐड किए जाएं जिससे हमारा गार्डन ऐसा ही खूबसूरत दिखे जैसा कि हमारे ठंड के दिनों में दिखता है। फ्रेंड्स, इन दिनों हमारे गार्डन में फूल के नाम पर कुछ भी नहीं है, ये सब क्लिपिंग ठंड के दिनों की है दोस्तों। और इतने खूबसूरत फ्लावरिंग के बाद अगर कुछ भी नहीं रहे तो गार्डन बहुत ही सूना हो जाता है और लगता है सब जगह कि रेगिस्तान जैसा नज़ारा आता लगता है और सारे फूल सूखे सूखे, पौधे सूखे सूखे। तो इन दिनों हमें ऐसे कुछ पौधे ऐड करने चाहिए जो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग कर सके, और कुछ ऐसे भी फ्लावरिंग प्लांट हमें लगाने चाहिए जो वाइन वाले हों और खूब हेवी फ्लावरिंग करें। तो ऐसे ही कुछ फ्लावरिंग प्लांट जो कि वाइन वाले हैं उनको मैं इस वीडियो में दिखलाऊंगी और उनके नाम भी बतलाऊंगी कि कौन कौन से प्लांट इन दिनों हमें लगाने चाहिए जिनसे हेवी फ्लावरिंग हम ले सके और हमारा समर का गार्डन भी उतना ही खूबसूरत हो जैसा कि विंटर गार्डन। तो ऐसे ही कुछ पौधों के नाम और फूलों के पिक्चर मैं दिखलाऊंगी इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी, बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा क्योंकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन उसी से मिलेगी। और कमेंट में ये लिखना ज़रूर बनता है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो इन प्यारे प्यारे फूलों के साथ आइए अब वीडियो को की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से फ्लावरिंग वाइन हैं इन दिनों लगाने के लिए और अपने गार्डन में ऐड करने के लिए जिससे हमारे यहाँ काफ़ी खूबसूरती ऐड हो सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत फूल बोगनवेलिया के हैं, ये हमारे गार्डन में ही खिले थे दोस्तों लेकिन अभी फिर से खिल के जा चुके हैं, क्लिपिंग उसी से मैं की है। अभी इक्का दुक्का ही फूल है, अब हमारा गार्डन अभी अस्त व्यस्त है क्योंकि गार्डन में हमने कुछ काम करवा रखा है और वही सब हो रहा है, इसलिए गार्डन अभी बिल्कुल ही सूना है। तो आइए बताएँ हमें हम कुछ ऐसे फ्लावरिंग वाइन के नाम जो इस समय हम ज़रूर ऐड कर सकते हैं और अपने गार्डन की शोभा को बढ़ा सकते हैं। ये ठंड के दिनों के फ्लावरिंग वाइन है दोस्तों, उस समय लगाने से कोई खास फ़ायदा नहीं है क्योंकि इन दिनों फ्लावरिंग नहीं होती है। ये स्प्रिंग सीजन में ही इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। और इन फ्लावरिंग वाइन में सबसे पहला नाम हमारा अपराजिता का है जिससे तो सभी परिचित होंगे, ये बहुत ही कॉमन प्लांट है और सभी के घरों में लगभग लगाए जाते हैं। कॉमनली इनके दो कलर होते हैं, एक ब्लू एक वाइट, लेकिन आजकल कई कलर में ये पिक में दिख जाते हैं लेकिन पता नहीं। स्टार जस्मिन ये दूसरा नाम है जो बहुत ही खूबसूरत और खुशबू वाला पौधा है, और ये तीसरा कृष्ण कमल का पौधा है जो सभी को अच्छे लगते हैं दोस्तों, एक यूनिक टाइप का फ्लावर होता है इसका। और अगला नाम ये बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग ग्लोरी का है, बहुत ही कम केयर में ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करता है और सुबह के 9-10 बजे तक इसके फ्लावर खिले रहते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। अगला नाम बहुत ही कॉमन बोगनवेलिया का है, इसके श्रब भी होते हैं और वाइन भी होती है, और घर के आगे अगर हम इसकी वाइन को लगा दें तो फूलों से भरा रहता है पूरी गर्मियाँ, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इसके कई सारे कलर आते हैं, लगभग सभी कलर में इसके प्लांट मिल जाते हैं। और ये अगला नाम मधुमालती का है, इसको तो सभी जानते हैं और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू होती है दोस्तों, सभी के छत पर या बाउंड्री पर ये लगा हुआ मिल जाएगा और काफ़ी हेवी फ्लावरिंग करता है। और अगला ये अलमांडा का है जिसके पीले पीले फूल किसको नहीं अच्छे लगते होंगे, और ये वाइन भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग करता है और बहुत हेवी फ्लावरिंग करता है। और अगला नाम ये साइप्रस वाइन का है, इसके छोटे छोटे फूल देखने में बहुत ही मनमोहक होते हैं, पत्तियाँ भी इसकी बहुत ही पतली पतली होती हैं तो बहुत ही सुंदरता ऐड करती है। अगला नाम ये फ्लेम वाइन का है, ये किसी भी
बाउंड्री को या ट्रेलिस को कवर करने के लिए लगाया जाता है दोस्तों। ये ब्लीडिंग हार्ट बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, इसके लाल लाल फूल छोटे छोटे बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। और ये अगला नाम ये देखिए मांडेविला का है, ये मांडेविला बहुत ही खूबसूरत पौधा है गर्मियों का, और इसके तीन कलर हैं पिंक, वाइट और रेड, और तीनों कलर एक से बढ़कर एक हैं दोस्तों। इसकी छोटी ही लताएं होती हैं, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर ऐड करने लायक ये पौधा है इस इन गर्मियों में, बहुत ही खूबसूरती ऐड करता है। और अगला नाम रोज़ वाइन का है, रोज़ वाइन भी बहुत हेवी फ्लावरिंग करता है दोस्तों। इसके कई सारे कलर हैं, हमारे यहाँ एक पिंक पिंक कलर का है रोज़ वाइन जो हमेशा फूलों से लदा रहता है। ये देखिए ये उसी की क्लिपिंग है दोस्तों। तो रोज़ वाइन को भी लगाएं और हेवी फ्लावरिंग लें, इससे सबसे सुंदर रोज़ ही लगता है। रोज़ फूलों का राजा ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और बहुत ही एलिगेंट लुक देते हैं हमारे गार्डन में। इसके भी कई सारे कलर हैं, वाइट, पिंक, रेड, ऑरेंज, येलो, सब सभी कलर में ये रोज़ वाइन मिल जाते हैं। तो नर्सरी से लाइए और अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। और ये अगला नाम थनवर्गिया का है, ये ब्लू कलर के फूल इसके बहुत ही सुंदर दिखते हैं और गार्डन में एक अलग ही लुक पैदा करते हैं। इसके श्रब भी होते हैं दोस्तों और वाइन भी होती है। और ये अगला नाम रंजाई है, इसको क्लीमेटिस भी बोलते हैं और इसमें काफ़ी सुंदर खुशबू होती है दोस्तों और बहुत हेवी फ्लावरिंग करता है। ये देखिए कितना सुंदर है। और ये अगला नाम गार्लिक वाइन का है, ये गुच्छों में फ्लावरिंग करने वाला पिंक और पर्पल कलर का फ्लावर इसके कितने सुंदर दिखते हैं और हल्की हल्की गार्लिक की महक इसमें से आती है। और अगला नाम ट्रम्पेट वाइन है, ये ऑरेंज कलर के फूलों के लिए जाना जाता है और इसमें भी खूब अच्छी फ्लावरिंग होती है और खूब गुच्छों में इसमें फ्लावरिंग होती है। और अगला नाम ये क्लीमेटिस है, ये भी बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा है, इसमें काफ़ी सारे कलर आते हैं ये देखिए। और हमारे यहाँ ये नहीं मिलता है लेकिन बहुत ही खूबसूरत पौधा है, अगर आपके यहाँ मिले तो ज़रूर ऐड करें। अगला नाम ये टिकोमा वाइन का है, हमारे यहाँ श्रब टिकोमा और वाइन वाले भी टिकोमा मिलते हैं और इसको भी ज़रूर ऐड किया जा सकता है। ये सब हमने जो ऐड किए हैं इस बार गर्मियों में उनकी क्लिपिंग है। ये देखिए मैंने ब्लीडिंग हार्ट को भी ऐड किया है। तो दोस्तों ये थे कुछ नाम जो फ्लावरिंग वाइन वाले पौधे के हैं। इतने खूबसूरत फ्लावर अगर किसी वाइन में आते हैं तो क्यों ना हमें इसे लगाएं और अपने गार्डन की शोभा को बढ़ाएं। और आप भी अपने गार्डन में इन सभी पौधों को ऐड करें दोस्तों और बहुत ही खूबसूरती अपने गार्डन में ऐड करें। तो इन्हीं सब फूलों के नाम मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में और ये सब कुछ मेरे स्प्रिंग टाइम के क्लिपिंग है। इन दिनों तो छत बहुत सुना सुना है और सारे पौधे इधर से उधर है, गार्डन अस्त व्यस्त है दोस्तों, तो मैं कुछ भी नहीं शूट कर पा रही हूँ। ये देखिए बोगनवेलिया में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी अभी, और अभी ये सब खिल के जा चुके हैं और फिर से ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। इन सब फूलों में यही सब खासियत है कि एक बार अगर फूल खिल जाए और ख़त्म हो जाए लेकिन फिर से खुद से ही ये फ्लावरिंग करने लगते हैं, इनको ज़्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ता है। ये थनवर्गिया के श्रब वेराइटी वाले हैं फ्लावर, ये देखिए कितने खूबसूरत है, ये पर्पल कलर के फ्लावर बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं दोस्तों। तो इसको हम ज़रूर ऐड करें, श्रब हो या वाइन हो, तो ज़रा सा इसको लगा कर और छोड़ दें और हल्की फुल्की इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करें तो ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये श्रब वाला स्प्रिंग टाइम में फ्लावरिंग करता है। और ये है मेरा रोज़ वाइन। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, मेरी ये फ्लावरिंग वाइन्स अच्छे लगे होंगे, फूलों के नाम कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़रूर करें ताकि और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।